Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। आज जो है हम कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमने कमीशन से रिलेटेड कंसेप्ट को पीछे वाली क्लास में स्टडी कर लिया है। आज की क्लास में हम कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बारी बारी से एक एक से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहां पर आज कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के उनको डिस्कस करना है हमको। तो देखो, कमीशन से रिलेटेड कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि कुल बिक्री क्या होती है, टोटल सेल्स क्या होती है, कमीशन क्या होता है और कंपनी को लौटा हुआ धन क्या होता है। तो सारी चीजें मैं आपको कमीशन के रिलेशन में समझा चुका हूं। उसमें अगर कोई भी डाउट है तो वो आज क्वेश्चनों के जरिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज हम कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन को पढ़ा करें, समझा करें, तब क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करें, तब मैं समझाऊं तब समझा करें। तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री तक 6% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 2% कमीशन ज्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 3,000 रुपए है तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। उसने क्या दिया है, 10,000 रुपए की बिक्री तक 6% का कमीशन दिया है, उससे ऊपर की बिक्री पर 2% कमीशन ज्यादा दिया है, मतलब 6% से 2% बढ़ाकर मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी वाली क्लास में मैंने आपको बोनस नहीं बताया था, एक चीज और होती है बोनस। तो बोनस क्या होता है, बोनस होता है अगर हम सिंपल भाषा में देखें, अगर हम सिंपल पहले ये छोटी सी बात समझ लेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बोनस क्या होता है, बोनस का मतलब एक्चुअली होता क्या है, बोनस का मतलब होता है कमीशन में वृद्धि। हम इसको कह सकते हैं इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट इन कमीशन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं कमीशन को, कमीशन में वृद्धि को ही हम बोनस कहते हैं। जैसे जैसे मान के चलो किसी भी विक्रेता का जो कमीशन है, किसी भी विक्रेता का कमीशन 10% है, उसके बाद मान के चलो उसने कहा कि उसको 2% से बोनस मिलता है। भाषा में अगर उसने हमसे ऐसे कहा कि उसको 2% से बोनस मिलता है, तो प्यारे विद्यार्थियों 2% बोनस का मतलब है जो कमीशन पहले 10% था इसमें 2% की वृद्धि हो जाएगी, तो बोनस सहित कमीशन जो हो जाएगा वो 12% से हो जाएगा। तो बोनस के बाद जो न्यू कमीशन होगा वो प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, 12%। तो मैंने एक सिंपल सी भाषा में बोनस को बताया। अगर आपसे कोई पूछता है कि बोनस क्या है, तो आप उसको सिंपल सी भाषा में जवाब देंगे कि बोनस का मतलब होता है कमीशन में वृद्धि। पहले जो कमीशन है, जितने परसेंट का बोनस है, उस बोनस को कमीशन में ऐड कर देंगे तो नया कमीशन बन जाएगा बोनस के बाद। तो बोनस क्यों दिया जाता है, बोनस दिया जाता है विक्रेता को जो ज्यादा से ज्यादा बिक्री करता है, कंपनी को जो विक्रेता खुश कर देता है उसको बोनस दिया जाता है। बोनस क्या है, जो विक्रेता है उसका लाभ है और कुछ नहीं है। अब भाई जो विक्रेता ज्यादा बिक्री करेगा वो कंपनी को ज्यादा कमा के देगा, तो उसको कुछ ना कुछ फायदा तो देना पड़ेगा जिससे वो उसी कंपनी में काम करता रहे। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसको लालच दे देती है, उसी को कहते हैं बोनस। उसको लालच दे दिया जाता है, उसके कमीशन में इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है, उसी को बोनस कहते हैं, ठीक है। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ही मैं चलूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे प्यारे विद्यार्थी, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। तो देखो एक विक्रेता 10,000 की बिक्री तक 6% कमीशन मिलता है, इसका मतलब, इस लैंग्वेज का मतलब यह है कि अगर विक्रेता 10,000 रुपए की बिक्री करेगा तो उसको 6% से कमीशन दिया जाएगा, इस चीज का मतलब यह है, ठीक है, 6% से कमीशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, एक विक्रेता 10,000 की बिक्री तक 6% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 2% कमीशन ज्यादा मिलता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 10,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री विक्रेता करेगा उस पर 6% से
2% बढ़ाकर कमीशन मिलेगा, तो 6% में 2% ऐड करके कितने परसेंट से कमीशन मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों? 8% से कमीशन मिलेगा। उसके बाद यदि उसकी कुल कमाई 3000 रुपए है, इसका मतलब हमें कमीशन दिया है, तो इन सभी कमीशनों से विक्रेता को 3000 रुपए मिले। ये क्या है 3000 रुपए? ये 3000 रुपए भाई विक्रेता का कमीशन है। बात को ध्यान से समझना, ये 3000 रुपए क्या है? ये 3000 रुपए प्यारे विद्यार्थियों विक्रेता को मिलने वाला कमीशन है। ये किस प्रकार से मिल रहा है ये समझेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे, जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखो, ये जो 3000 रुपए कमीशन विक्रेता को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? 10000 रुपए पर 6% से और उससे ऊपर की बिक्री पर 8% से कमीशन जो है विक्रेता को मिल रहा है 3000 रुपए। तो देखो मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक से पहले इस क्वेश्चन को करूंगा, फिर आपको एक दूसरी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 10000 पर 6% से कमीशन निकालेंगे तो कितना बनेगा, तो 10000 रुपए की धनराशि पर और 6% से कमीशन, यही तो बनेगा 6/100 प्लस उसके बाद बाकी की धनराशि आगे कितने की सेल्स करता है इसको आप मान लो। तो इसको मान के चलो मैंने x सेलेक्ट कर लिया, तो x धनराशि पर 8% से कमीशन, यही वाली बात तो हो गई भाई, यही वाली बात हो गई। मतलब 10000 से ऊपर की जियो बिक्री करेगा उसको मैंने x मान लिया, x प्लस 8% से कमीशन और 10000 पर 6% से कमीशन, ये वैल्यू विक्रेता को मिलने वाले कुल कमीशन के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप कहेंगे जी सर, अगर कमीशन 3000 रुपए विक्रेता को मिल रहा है तो ये वाली जो वैल्यू है वो 3000 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया, ये 600 हो गया, 600 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x/100 और 600 उधर जाएगा तो 3000 में से 600 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। भाई ये वाली चीज मैं लिख के बता देता हूं, ऐसे हो जाएगी 3000 - 600 और 3000 में से 600 को माइनस करेंगे, 3000 में से 600 को माइनस करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये कितना हो जाएगा, 3000 - 600 बराबर हो जाएगा 2400 के। ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल करेंगे देखो 8 से कैंसिल कर जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा 300 बार। x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का मान बराबर हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई 300 में इधर जाने पर हो जाएगा 300 × 100 = 30000। इसका मतलब 10000 से ऊपर ये 30000 रुपए की बिक्री करता है, 10000 रुपए से ऊपर ये 30000 की बिक्री करता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछिए उसने कुल बिक्री, और कुल बिक्री कितनी हो जाएगी भाई, कुल बिक्री निकालेंगे तो 10000 रुपए की बिक्री ये और 30000 रुपए की बिक्री ये, 30000 + 10000 = कितना हो जाएगा, 40000 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 40000 रुपए हो जाएगी। कैसे, 30000 ये और 10000 ये दोनों को ऐड करके हमारा टोटल सेल्स बन जाएगा 40000 रुपए। तो बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्लियर। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे हमें फास्ट से फास्ट जाना है, अब इस चीज को समझेंगे। उसके अलावा यह तरीका हर जगह पे हेल्पफुल नहीं होगा, जैसे इस क्वेश्चन में लग गया, आगे और कमीशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें आप फंस जाएंगे। तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हम कमीशन के किसी भी क्वेश्चन में ना फंसे, सारे क्वेश्चन निकलते चले जाएं, तो वो तरीका देखेंगे आप, वो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको समझाता हूं। एक और दूसरे तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, बस चीजों को समझते जाएं, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, टफ नहीं है भाई। देखो यहां तक तो चीजें सेम रही, जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई भी यहां से तो सॉल्यूशन है ही नहीं, ये तो बस समझाने के लिए चीजें लिखी हैं कि 10000 की बिक्री पर 6% से कमीशन होगा, उससे ऊपर की बिक्री पर 8% से कमीशन होगा तो विक्रेता को 3000 रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन में कहा है भाई, क्वेश्चन अब यहां से आपका हटेगा नहीं, आपको भी दिख रहा है और मुझको भी दिख रहा है। ये आज से थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, चीजें बिल्कुल मुझको भी दिखाई दे रही है, आपको भी क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि पुरानी वाली कुछ वीडियोज में ये इश्यू आया था कि मैं बोल कुछ रहा था और पीपीटी में कुछ और दिख रहा था, तो वो इसलिए आ जाता कि मुझे यहां पर क्वेश्चन नहीं दिखता था। लेकिन अब मैं यहां पर क्वेश्चन को देख सकता हूं, आपको भी दिख रहा है, तो सारी चीजें अब कोई गलती नहीं होगी वीडियो में। तो यहां से देखो अब एक दूसरा तरीका समझते हैं, तो एक दूसरा तरीका समझेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखना लॉजिकली करूंगा मैं, 10000 पर 6% से कमीशन और उससे ऊपर की बिक्री पर 8% से कमीशन, तो कमीशन कितना बनता है भाई, 3000 रुपए। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है कि हमने पीछे वाली क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे, इससे पीछे वाली में, कि एक विक्रेता को इतने प्रतिशत से कुल बिक्री पर कमीशन दिया जाता है तो उसका कमीशन इतना बनता है, तो बताइए कुल बिक्री क्या है। तो उनको हम कैसे सॉल्व कर लेते थे, सीधा परसेंटेज का फ्रैक्शन मान, जैसे मान के चलो उसने कहा 10% कमीशन, तो 10% कमीशन की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ऊपर जो है वो कमीशन का रेशियो हो जाता था, यही तो करते थे भाई, ऊपर कमीशन का रेशियो हो जाता था, नीचे टोटल सेल्स हो जाती थी, कंपनी को कितना लौटाया हुआ 9, इन तीनों में से कोई एक चीज हमको दी होती थी, जैसे मान के चलो कंपनी को लौटाया हुआ धन दिया होता 1800, तो 9 रेशियो का मान 1800 के बराबर हो जाता, 1 रेशियो का मान 200 के बराबर हो जाता, टोटल सेल्स यहां से निकाल लेते थे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे। तो देखो यहां भी हम क्या करेंगे, अगर हमें जो अलग अलग कमीशन का परसेंट दिया है इसने, ये जो 8% 6% दिया है, अगर मैं इस पूरे कमीशन को कुल बिक्री पर समान कर लूं, तो जैसे मैं अभी कर रहा था वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि यहां पर जो 8% कमीशन और 6% है, इसे कुल बिक्री पर समान करना है। तो कुल बिक्री पर समान करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो यह हो सकता है कि 8% जो इस पर मिल रहा है इसको 6% से कर लो, तो यहां भी 6% से हो जाएगा, यहां भी से, तो कुल बिक्री पर 6% से हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यहां पर तो 8% से ही रहने दो, यहां पर इस 6% को 2% से बढ़ा लो, तो यहां 8% से हो जाएगा, यहां भी 8% से, तो कुल बिक्री पर 8% से हो जाएगा। तो सेम करने के दो तरीके, लेकिन हम इसको 6% क्यों नहीं बना सकते, इसको 6% इसलिए नहीं बना सकते कि हमें यह धनराशि पता नहीं है, तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो कम कर नहीं सकते, तो इसको तो 8% का 8% ही रखना पड़ेगा। तो हमेशा समान करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें वैल्यू परफेक्ट में दी होती है धनराशि, उस पर जितने परसेंट कमीशन होता है उसको इस वाले कमीशन के समान करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको 8% करने के लिए कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 2% से बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर इस बिक्री पर कितने परसेंट से कमीशन हो जाएगा, 8% से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर इसको 2% से अगर मैं बढ़ा दूं तो 10,000 पर भी 8% से कमीशन हो जाएगा, और यहां भी 8% से, तो कुल बिक्री पर 8% से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें धनराशि दी है 10,000 रुपए, इस 10,000 रुपए की धनराशि पर 2% से कमीशन को बढ़ाएंगे, तो देखेंगे कमीशन कितना बढ़ जाएगा। तो 2% वृद्धि कर रहे हैं, देखो प्लस का साइन है, तो बढ़ाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 100 मल्टीप्लाई 2, तो कितने रुपए कमीशन बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 200 रुपए कमीशन बढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि अगर कंपनी यहां जो 6% का कमीशन देती है, यहां भी विक्रेता को अगर 2% अधिक कमीशन देती या 8% कमीशन देती, तो 2% अगर वो अधिक कमीशन देती तो विक्रेता को 200 रुपए ज्यादा मिलते कि नहीं मिलते, क्योंकि कमीशन अगर हम बढ़ाएंगे तो विक्रेता का लाभ बढ़ेगा, और कमीशन यदि हम घटाएंगे तो विक्रेता का लाभ घटेगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल सेल्स बराबर होती है, कंपनी को कितने रुपए लौटाए और प्लस कमीशन कितने रुपए, बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, इसी क्वेश्चन में खोल खोल के बता दूंगा सारी चीजों को, जिससे आगे वाले क्वेश्चनों को आप अपने आप कर पाओ, फिर उनको मैं स्पीड में बता दूंगा। तो देखो इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है, तो अगर ये वाली चीज उतनी ही रहे, मतलब इस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कॉन्स्टेंट रहे, तो अगर आप कंपनी का लाभ बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कमीशन जो है वो कम हो जाएगा, और अगर कमीशन को बढ़ाएंगे तो कंपनी का लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों का ये वाली वैल्यू है तो इन दोनों के बराबर। इस चीज को आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि 500 रुपए हैं, दो व्यक्तियों में बांट रहे हैं, तो अगर आप एक को ज्यादा देंगे तो दूसरे को कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और एक को कम देंगे दूसरे को ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे यहां पर कुल बिक्री में दो आदमी है, एक तो कंपनी का लाभ है और एक कमीशन है। अब आप कमीशन ज्यादा देंगे तो कंपनी का अपने आप कम हो जाएगा हिस्सा, और अगर आप कमीशन कम देंगे तो कंपनी का अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज समझने वाली है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बिल्कुल बात भाई, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझते चलो, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो देखो, तो हमने क्या किया, यहां पर कमीशन को 2% से बढ़ाया है, तो कमीशन को 2% से बढ़ाने से इसका मतलब कमीशन 200 रुपए बढ़ जाएगा, और पहले कमीशन था 3000, तो 3000 रुपए में कमीशन 200 रुपए से बढ़ जाएगा, तो कमीशन अब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 3200 रुपए का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 3200 रुपए का कमीशन कब मिल रहा है, ये 3200 रुपए का कमीशन कब मिल रहा है, ये 3200 रुपए विक्रेता को
तब मिलते जब इस 10,000 पर भी 8% से कमीशन होता और आगे वाली बिक्री पर भी 8% से कमीशन होता। इसका मतलब टोटल सेल्स पर 8% से कमीशन होता तो विक्रेता को 3200 रुपए मिलते हैं, तो कुल बिक्री बताइए। अब ये क्वेश्चन ये बन गया, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि कुल बिक्री पर 8% से कमीशन होता है तो विक्रेता को 3200 रुपए मिलते हैं, तो बताइए कुल बिक्री क्या होगी। अब यहां से सॉल्व करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन से कि कुल बिक्री पर 8% का कमीशन दिया जाता है तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/25, इसमें 25 रेशियो हो जाएगी टोटल सेल्स का रेशियो और ऊपर हो जाएगा ये कमीशन का रेशियो, कमीशन कितना मिल रहा है उसका रेशियो हो जाएगा ऊपर। अब इन दोनों में से आपको क्या पता है, तो 8% से कमीशन 3200 रुपए पता है तो कितने रेशियो का मान पता है, 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3200 के, 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 2 से 3200 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1600। कुल बिक्री के लिए कितने रेशियो का मान निकालेंगे, 25 रेशियो का मान, तो 25 × 1600, तो देखो कुल बिक्री कितनी आ जाएगी, 0 0 हो जाएंगे 2, 25 से 6 में देंगे 25 से 150, 15 बचेगा और 15 और 25 40,000, इसका मतलब कुल बिक्री कितनी हो जाएगी 40,000। कौन से ऑप्शन पे है 40,000, तो आप देखेंगे 40,000 बी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। जस्ट इससे पहले वाला जो हमने पहले टाइप से किया था उससे भी 40,000 आंसर आया था, इससे भी 40,000 आया था, लेकिन ये अप्रोच एग्जाम के नजरिए से सही है। तो इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों एक बार और समझा देता हूं सारी चीजें, आंसर 40,000 आ गया, ये आप शॉर्टकट कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हैं इस चीज को, जितनी आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत जल्दी कर लेंगे, वो मैंने थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता दिया था, तो ऐसे नहीं जाना क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो ये तरीका ही आपको समझना है। तो इस तरीके को देखो कैसे समझेंगे, इसमें सबसे पहला काम इंपोर्टेंट क्या है, पहले तो परसेंटेज सेम करते हैं, तो यहां पर ये 6 यहां पर 8 है तो इसको ही बढ़ाएंगे घटाएंगे इसके समान करेंगे, तो अगर ये 8 है तो ज्यादा है तो बढ़ाना पड़ेगा, 10,000 पर 2% से कितने रुपए बढ़ेंगे 200 रुपए, तो कमीशन अगर बढ़ रहा होगा तो कमीशन में जुड़ जाएगा, तो पहले जो कमीशन 3,000 मिल रहा था अब विक्रेता को 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो अब विक्रेता को कितने रुपए कमीशन मिलेगा 3200। पहले कमीशन कैसे मिल रहा था 3,000, 10,000 तक 6% से और ऊपर पर 8% से, तो उसको 3,000 मिलते थे, लेकिन हमने जैसे ही ये 200 बढ़ाया और कमीशन 3200 हुआ तो कुल बिक्री पर 8% से हो गया, तो कुल बिक्री पर 8% से निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये ऊपर कमीशन हो जाएगा 8% से और ये कुल बिक्री हो जाएगी, 8% से कमीशन हमने निकाल लिया 3200, तो 2 रेशियो का मान 3200 के बराबर होगा, 1 रेशियो का मान 1600 हो जाएगा, कुल बिक्री के लिए 25 रेशियो का मान, तो 25 × 1600 कुल बिक्री 40,000 आ गई, हमारा आंसर हो गया जो हमें बी ऑप्शन पे दिया है 40,000। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना यह तरीका बेस्ट है, एग्जाम के लिए बहुत सुपर तरीका है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए मैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको दूंगा और उसके बाद फिर हम ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को करेंगे, एक टाइप के दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक मैंने आपको समझाया, अब एक आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों आपकी प्रैक्टिस के लिए उसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। यह दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज्यादा मिलता है, यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। ये क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, जब जैसे ही आपको इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो तुरंत आप उसको करने की कोशिश किया करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला गया है। एक टाइप के दो क्वेश्चन आपको चाहिए, पहले मैं आपको मैं चीजें समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं मैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो चीजें पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं है वो यहां समझने की कोशिश करेंगे। एक विक्रेता 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15,000 रुपए की अगर बिक्री कोई विक्रेता करेगा तो उसको कमीशन मिलेगा कितने परसेंट से, 12% से, तो उसको 12% से कमीशन मिलेगा, लेकिन यदि वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 1% कमीशन ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब पहले 12% मिल रहा था तो उससे 1% ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे कराया, तो 1% ज्यादा मिलने का मतलब कितने परसेंट से कमीशन मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, 13% से। तो इसका मतलब क्या है, इस लैंग्वेज का मतलब यह है कि 15,000 की बिक्री पर 12% से कमीशन मिलेगा, इससे ऊपर की बिक्री पर 1% ज्यादा मतलब 13% से कमीशन मिलेगा, तो कुल कमाई उसकी 7,650 है, मतलब कमीशन दिया है 7,650
₹50। देखो बात को बिल्कुल आराम से समझना, तो ₹7,650 क्या दिया है, तो ₹7,650 दिया है विक्रेता का कमीशन, कमीशन दिया है विक्रेता को कितने रुपए मिलता है, 7,650। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह करना है कि कमीशन के परसेंट को कुल बिक्री पर समान करना है। तो कुल बिक्री पर समान करने के लिए इस पर तो हम इसको 12 तो कर नहीं सकते, इसको तो 13 ही रहने देंगे क्योंकि ये वाली राशि हमको पता नहीं है। तो हमें इस वाले परसेंटेज को यहां पर जो कमीशन 12% से मिल रहा है इसको इसके बराबर करना है, 13% बनाना है। तो 12% को 13% बनाने के लिए कमीशन को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, तो कम को ज्यादा करना है तो बढ़ाना पड़ेगा, कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, तो 1%। तो अगर मैं 15,000 पर कमीशन को 1% से बढ़ा दूंगा तो ₹15,000 की धनराशि पर भी कमीशन 13% से हो जाएगा, और ऊपर वाली धनराशि पर 13% से है ही, तो कुल बिक्री पर कमीशन कितने परसेंट से हो जाएगा, 13% से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब यह है कि यहां पर 15,000 पर 1% से कमीशन बढ़ाएंगे तो पहले ये निकालो कमीशन कितने रुपए बढ़ जाएगा, तो ₹15,000 की धनराशि पर 1% से कमीशन बढ़ाएंगे तो 1% से कमीशन बढ़ जाएगा +150, बढ़ने का मतलब +150, तो कमीशन में ₹150 की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब पहले जो कमीशन 7,650 मिलता था, अब उसको 1% से बढ़ाने पर ₹150 ज्यादा मिलेंगे, तो अब कमीशन मिलेगा 0078, ₹7,800 का कमीशन। ये ₹7,800 का कमीशन कब मिलेगा, तो ₹7,800 का कमीशन जब मिलेगा जब 15,000 पर भी 13% से कमीशन मिले और इस पर 13% से ऑलरेडी मिल रहा है, तो हमें कमीशन के रूप में कितने मिलेंगे, 7,800। मतलब कुल बिक्री पर 13% से कमीशन जो है वो ₹7,800 के बराबर है, तो हमें कुल बिक्री बतानी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तेरह परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 13/100, तो 13 रेशियो का मान, ऊपर कमीशन नीचे कुल बिक्री, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो 13 रेशियो का मान बराबर होगा 7,800 के, तो 13 × 78 कितने बार कट जाएगा, 600 बार, तो 1 रेशियो का मान कितने के बराबर हो गया, 600 के। कुल बिक्री के लिए कितने रेशियो का मान निकालेंगे, 100 रेशियो का मान, तो 100 × 600 = कुल बिक्री कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 60,000। तो 60,000 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेम जो पहले मैंने आपको बताया सेम उसी प्रकार का, इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस दो जगह रखना है, एक तो यहाँ कमीशन को सेम करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो इस धनराशि पर 15,000 पर 1% से, तो 15,000 पर 1% से कमीशन कितना बढ़ जाएगा, 150। यहां ध्यान रखना है बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं, तो कमीशन अगर बढ़ा रहे हैं तो कमीशन में वृद्धि हो जाएगी 150 की, तो नया कमीशन कितना हो जाएगा, 7,800। नए कमीशन का मतलब कुल बिक्री पर 13% से, और पुराने कमीशन 7,650 का मतलब क्या है, यहां पर 12% से और यहां पर 13% से। हमने यहां पर 12 और 13 से सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने दोनों में समान किया कमीशन को, दोनों में समान करने पर कुल बिक्री पर 13% से कमीशन बन गया, और कुल बिक्री पर 13% से कमीशन अगर दिया जाता है तो विक्रेता को ₹7,800 मिलते हैं, तो कुल बिक्री बताइए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप ऐसे कर लो, फ्रैक्शन से 13% से कमीशन मिलता है तो विक्रेता को 7,800 मिलते हैं, 13% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 13/100, तो ऊपर ये कमीशन आएगा, नीचे कुल बिक्री आएगी, ये टोटल सेल्स आएगी, ये आएगा हमारा कमीशन। हमें क्या दिया है, कमीशन पता है 7,800, तो इसका मान 7,800 के बराबर कर दिया, 1 रेशियो का मान 600 आ गया, कुल बिक्री के लिए 100 रेशियो का मान, तो कुल बिक्री आ गई ₹60,000। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ये तरीका जो है ना, जो मैंने आपको तरीका पहले बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, उससे नहीं करना, क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि कमीशन के जो आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पुराने वाले दोनों क्वेश्चन जो मैंने पीछे दो क्वेश्चन कराए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे है डिफरेंट क्वेश्चन, अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उनमें हमें कमीशन दिया होता था और कुल बिक्री पूछी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कंपनी को उसने कितने रुपए लौटाए ये दिया है और कुल बिक्री पूछी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करने का तरीका सेम है, बस 1 रेशियो का मान निकालने के लिए पी
नीचे वाले क्वेश्चन में विक्रेता का लाभ दिया होता था, यहां कंपनी को लौटाया गया धन दिया है, तो बस एक रेशियो का मान निकालने के लिए जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन आया, बाकी सॉल्यूशन सेम है। देखो कैसे करेंगे, एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 20,000 की बिक्री तक 9% कमीशन देती है, तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को, भाई मैं क्वेश्चन को अब हटा देता हूं, क्वेश्चन को हटा देता हूं, अब आप समझेंगे, 20,000 की बिक्री तक 9% कमीशन देती है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20,000 रुपए की बिक्री अगर कोई विक्रेता करेगा तो उसे कंपनी 9% से कमीशन देगी, और अगर इससे ऊपर बिक्री करेगा तो फिर उसको 9% से कमीशन नहीं देगी, फिर उस पर उसको 5% से कमीशन देगी, उसके बाद वो कंपनी को अपना लाभ काट कर 56,200 लौटाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर जो दिया है इसने 56,200 वो कंपनी का शेयर दिया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 56,200। उसके बाद काम सेम करना है, करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला भाई, पहले हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि यहां पर 5% से कमीशन है, यहां से 9% है, तो पहले कुल बिक्री पर कमीशन को सेम करना है, तो कुल बिक्री पर कमीशन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते क्योंकि ये वाला धन हमें पता नहीं है, हमें यहां से करना पड़ेगा, तो यहां से करने के लिए 9% का कमीशन जो 20,000 पर मिल रहा है इसको कितना करना पड़ेगा, 5%, तभी तो कुल बिक्री पर कमीशन समान हो पाएगा। क्यों हो पाएगा, क्योंकि इस ऊपर की बिक्री पर तो 5% ऑलरेडी है, देखो इस ऊपर की बिक्री पर तो ऑलरेडी 5% कमीशन है और 20,000 की बिक्री पर 9% है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर पर 5% से है ही, लेकिन अगर इस 9% को घटाकर मैं 5% कर दूं 20,000 पर, तो 20,000 पर भी 5% से हो जाएगा और इस पर भी 5% से हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 20,000 की बिक्री पर 4% से कमीशन कम करना पड़ेगा। भाई 9% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5% और प्लस 4%, तो 20,000 पर अगर 4% से निकाल लें और घटा दें तो यहां पर 5% से रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, तो वही वाला काम करना है। तो देखो पहले 20,000 पर 20,000 रुपए की धनराशि पर ये निकालो कि अगर मैं 4% से कमीशन घटाऊंगा तो कमीशन में कितने रुपए कम मिलेंगे, तो कमीशन कम कर रहे हैं यहां पर कम कर रहे हैं क्योंकि 9% से मिल रहा है, हमको 5% बनाना है तो कम करना है, तो कम कर रहे हैं, तो देखो यहां पर 20,000 पर 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितने रुपए कम हो जाएंगे, माइनस के 800 रुपए। देखो बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल 800 रुपए कम हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर कमीशन 9% से ना मिले, यहां पर अगर कमीशन 9% से ना मिले, 9% की जगह अगर 5% से मिले तो कमीशन में 4% की कमी आ जाएगी 20,000 पर, और 20,000 पर 4% की कमी करने पर कमीशन 800 रुपए से कम हो जाएगा। 800 रुपए से कम क्या हो जाएगा, 800 रुपए से कम हो जाएगा भाई कमीशन, क्या हमको यहां पर कमीशन दिया है, कमीशन नहीं दिया, हमें यहां कंपनी का प्रॉफिट दिया है, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि टोटल सेल्स जो होती है, कुल बिक्री जो होती है वो बराबर होती है कंपनी को कितना धन गया और प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का मतलब कमीशन, अगर हम कमीशन में रुपए की वृद्धि करेंगे तो कंपनी को जाने वाला धन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुल बिक्री सेम रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी, तो आप जितना ज्यादा कमीशन देंगे उतना ही कंपनी को घाटा होगा और जितना कम कमीशन देगी उतना ही कंपनी को लाभ होगा। तो अगर यहां पर 800 रुपए कमीशन कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 20,000 पर 9% और बाकी पर 5% से कमीशन अगर देते हैं विक्रेता को तो कंपनी को 56,200 रुपए मिलेंगे, और यदि हम यहां पर 9% से ना देकर 4% से दें तो विक्रेता को 800 रुपए कम मिलेंगे, लेकिन विक्रेता को अगर 800 रुपए कम मिलेंगे तो वो 800 रुपए जाएंगे कहां, वो कंपनी के शेयर में जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब जब कभी भी आपको एक रेशियो का मान निकालने के लिए कंपनी का शेयर दिया हो तो आप क्या करेंगे फिर, कि अगर कमीशन कम हो रहा होगा तो कंपनी में आप उसको जोड़ेंगे और अगर बढ़ रहा होगा तो यहां से घटाएंगे, क्योंकि पीछे वाले दोनों क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि अगर कमीशन में वृद्धि हो रही तो मैंने सीधा सीधा जाके वहां पर जोड़ दिया था, और कमी हो रही होती तो मैं सीधा सीधा घटा देता। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये कमीशन में वृद्धि और कमी है और हमें वहां कमीशन ही दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा है,
इस क्वेश्चन में कमी तो हम कमीशन में कर रहे हैं, लेकिन दिया है कंपनी का शेयर, तो यहां पर क्या होता है कि कमीशन की वृद्धि कमी का कंपनी के शेयर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब कमीशन अगर कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर यहां पर हम 4% से कमीशन करेंगे, सॉरी अगर यहां पर हम 5% से कमीशन करेंगे तो कमीशन में 800 की कमी आएगी और कंपनी के लाभ में 800 की वृद्धि होगी। तो 800 की वृद्धि होगी तो कंपनी का लाभ कितना हो जाएगा भाई, 57,000 रुपए। इसका मतलब ये 57,000 रुपए कंपनी का शेयर कब बनेगा, जब कुल बिक्री पर 5% से कमीशन दिया जाए। मतलब 20,000 पर भी 5% से दिया जाए, इस 20,000 पर भी 5% से दिया जाए और इस पर भी 5% से, तो कुल बिक्री पर 5% से अगर कमीशन दें तो कंपनी को 57,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब 5% अगर कमीशन देते हैं तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो टोटल सेल्स का रेशियो नीचे और कमीशन मतलब प्रॉफिट विक्रेता का लाभ ऊपर, और अगर मैं 20 में से एक को माइनस कर दूं तो कंपनी का शेयर कितना हो गया भाई, 19। इन तीनों चीजों में से ये किसका शेयर हो गया, कंपनी का। बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और करने का तरीका बेस्ट है। कंपनी का कितना रेशियो गया, 19। अब इसके बाद इन तीनों में से एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या पता है, हमें पता है कंपनी का शेयर, तो कितने रेशियो का मान हो गया, 19। 19 रेशियो की वैल्यू बराबर हो गई 57,000 रुपए के। 19 × 57 एक रेशियो की वैल्यू बराबर हो गई 3,000 के। पूछा क्या है, कुल बिक्री, कुल बिक्री का रेशियो कितना है 20, तो टोटल सेल्स निकालेंगे तो वो आ जाएगी 20 × 3,000, तो 20 × ये हो जाएगा भाई 60,000। तो कुल बिक्री कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों, 60,000। कौन से ऑप्शन पे दिया है आंसर, आंसर देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पे दिया है, तो 60,000 दिया है ऑप्शन ए पर। हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो दिया है 60,000। ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो यहां पर एक चीज हमें नई सीखने को क्या मिली कि जब कभी भी हमें कंपनी का शेयर दिया होगा तो यहां पे अगर कमीशन हम घटा रहे होंगे तो यहां जुड़ेगा और अगर यहां बढ़ा रहे होंगे तो यहां घटेगा। क्यों, क्योंकि कमीशन अगर हम बढ़ाते हैं तो कंपनी को घाटा होता है और कमीशन अगर हम कम देते हैं तो कंपनी को फायदा होता है। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास का 14 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम है तीसरे क्वेश्चन की तरह। जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया सेम उसी की तरह है, कोई भी अंतर क्वेश्चन में नहीं है। पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है चौथे क्वेश्चन में। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 15% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस देती है। आ गया बोनस, 5% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर कंपनी को 28,750 रुपए देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। बिल्कुल क्वेश्चन जो तीसरा कराया सेम वैसा ही है। ये जो एक टाइप के मैं दो क्वेश्चन आपको क्यों करा हूं, एक क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं और दूसरा आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि चीजें आप समझ गए हैं पुराने वाले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे भाई, मैं क्वेश्चन को अब हटा देता हूं, क्वेश्चन को हटा देता हूं, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। एक कंपनी अपने विक्रेता को 15% कमीशन देती है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस देती है। इसका मतलब 15,000 की बिक्री तक कोई बोनस नहीं है तो कितने परसेंट से कमीशन लगेगा भाई, 15,000 की बिक्री पर लगेगा 15% से कमीशन। बात को ध्यान से समझना, इससे ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस देती है। तो मैंने आपको बताया था कि बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस का मतलब होता है कमीशन में वृद्धि। तो 5% से बोनस दे रही है तो इसका मतलब 15% कमीशन 5% बोनस के बाद कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार 15,000 की बिक्री पर 15% से कमीशन लगेगा और ऊपर की बिक्री पर 20% से। क्यों, क्योंकि इससे ऊपर की बिक्री पर 5% का बोनस है। तो बोनस का मतलब होता है कमीशन में वृद्धि, बोनस कुछ नहीं है कमीशन में वृद्धि है। तो पहले कमीशन 15% था तो 5% बोनस के बाद 20% हो जाएगा। क्लियर है बात, बोनस समझ में आ गया। यदि विक्रेता कुल बिक्री काटकर कंपनी को 28,750 लौटाता है, कंपनी का शेयर दिया है भाई, कंपनी का शेयर दिया है उसने हमको 28,750, ये समझने वाली बात है। ठीक है,
अब बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, यहां पर 15% से मिल रहा है, यहां पर 20% से मिल रहा है, तो दोनों को सेम करना है, तो यहां तो कर नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू हमें परफेक्ट में नहीं पता, लेकिन यहां कर सकते हैं। तो बताइए कमीशन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमीशन को सेम करने के लिए 15,000 को भी 20% से बनाना पड़ेगा। तो इस 15% को 20% बनाने के लिए बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर बढ़ाएंगे। तो 15,000 रुपए पर बढ़ाएंगे कितने परसेंट से, तो 15% को 20% करने के लिए 5% से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है 5% से बढ़ाना पड़ेगा, 2 जीरो से 0, 15 5 75, तो कमीशन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 750 रुपए की। 750 रुपए का मतलब क्या है कि अगर 15,000 की बिक्री पर भी 20% से कमीशन देंगे तो 5% से बढ़ेगा, और 5% से बढ़ने पर कितना बढ़ जाएगा, 750। कमीशन में 750 की अगर वृद्धि होगी तो कंपनी के लाभ में 750 की कमी होगी, क्यों होगी वो मैं बता चुका हूं, 0 0 0, तो इसका मतलब कंपनी को फिर कितने रुपए लौटाएगा वो 28,000। तो इसका मतलब ये 28,000 क्या है, 28,000 ये है कि अगर कुल बिक्री पर 20% से कमीशन दिया जाए तो विक्रेता अपना लाभ काटकर कंपनी को 28,000 लौटाएगा। तो कितने परसेंट से कमीशन दिया जाए, 20% से, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये क्या हो गया विक्रेता का लाभ, ये क्या हो गई टोटल सेल्स, और कंपनी का निकालेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। अब ये 28,000 क्या दिया है कंपनी का, तो कितना रेशियो है इसका 4, 4 रेशियो का मान हमें बराबर दिया है 28,000 के, 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 4 × 7 = 28 कितना हो जाएगा 7,000, कुल बिक्री के लिए 5 रेशियो का मान निकालेंगे तो टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी 7,000 और मल्टीप्लाई 5, तो 5 × 7 = आंसर कितना आ जाएगा 35,000। तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 35,000 जो कौन से ऑप्शन पे दिया है, बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, आंसर कितना हो जाएगा 35,000। सेम जो थर्ड क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहला काम क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कमीशन को समान, और उसमें भी ये देखें कि कमीशन को समान करने के लिए अगर यहां पर कमीशन कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर यहां पर ज्यादा है, जैसे इससे पीछे वाले में ज्यादा था तो वहां पर हमने कम किया था, अगर कंपनी का शेयर दिया है तो यहां पर अगर वृद्धि होगी तो यहां पर कमी हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और अगर यहां पे कमी होगी तो यहां पे वृद्धि हो जाएगी, उसके बाद दोनों को अगर वृद्धि है तो ऐड कर देंगे, अब ये तो माइनस, तो ये 28,000 रुपए का शेयर जो है वो कितने परसेंट से बनेगा, कुल बिक्री पर, टोटल सेल्स पर, टोटल सेल्स पर 20% से बनेगा शेयर ये। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1 जो है ये कमीशन हो जाएगा, 5 कुल बिक्री हो जाएगी, 4 कंपनी का लाभ हो जाएगा। 1 रेशियो का मानने के लिए क्या बताया, कंपनी, तो 4 रेशियो का मान 28,000, 1 रेशियो का मान 7,000, टोटल सेल्स कितनी है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का मान 35,000, ठीक है भाई, क्लियर है, चले नेक्स्ट देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, पढ़ेंगे समझेंगे, पांचवें क्वेश्चन को समझेंगे भाई, जब कभी भी क्वेश्चन आपको जैसे ही स्क्रीन पर दिखता है आप उसको तुरंत करने की कोशिश किया करो, तुरंत करने की कोशिश किया करो। तो पांचवा क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस लेता है, यदि वह 1,200 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात करो। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो देखो पांचवा क्वेश्चन समझेंगे आज की क्लास का फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया इस वाले में, न कंपनी का प्रॉफिट दिया न इस वाले में कमीशन दिया, उसने सीधा बोनस दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, देखेंगे आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि 10% कमीशन लेता है 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब 20,000 की बिक्री पर कमीशन लेता है वो कितने परसेंट से, कमीशन लेता है भाई 10% से, और 20,000 से ऊपर की जो बिक्री होती है उस पर बोनस लेता है कितने परसेंट से बोनस लेता है। तो यहां पर बोनस का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों कमीशन में वृद्धि, तो बोनस कितने से ले रहा है 2% से, तो 2% बोनस के बाद उसका कमीशन यहां पर कितना बनेगा 12%, ठीक है ये वाली चीज है। उसके बाद उसने कहा है कि यदि वह 1,200 रुपए बोनस प्राप्त करता है, तो देखो ये तो बहुत ही अच्छा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो सीधी सीधी बात यह है, उसने कहा है कि वो 1,200 रुपए बोनस प्राप्त करता है, तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो बोनस है
जो 2% का बोनस है ये उसे किस धनराशि पर मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर कि ये बोनस 20,000 पे तो उसको मिल नहीं रहा, ये बोनस केवल इसको बाद वाली धनराशि पर मिल रहा है, इस पर। तो इस वाली धनराशि को मैं मान के चलो ए लेट कर लेता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। तो इस धनराशि पर, इस धनराशि पर क्या है, इस ए धनराशि, अगर इसको मैं ए मान लू तो इस धनराशि पर क्या है कि 10% से तो मिल रहा है इसको कमीशन और बाकी का 2% से मिल रहा है बोनस, ठीक है। तो ऐसे करके इसका कमीशन टोटल कितना बन गया है, 12% बन गया है, ये वाली चीज है। अब उसने हमसे कहा है कि बोनस 1200 रुपए है, तो आप ये बताइए कि ये बोनस जो 2% से मिल रहा है वो किस धनराशि पर मिल रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो बोनस मिल रहा है 2% का वो किस धनराशि से मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ए पर मिल रहा है। इसका मतलब ए जो धनराशि है इस पर 2% से, तो 2% से जो है वैल्यू वो कितने के बराबर है, 1200 के। मैं इसको सीधा भी कर सकता हूं, 2% की वैल्यू 1200 के बराबर, 1% की वैल्यू 600, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, तो बात ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 बार, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो ए की वैल्यू कहेंगे आपके सर ए की वैल्यू आ गई 60,000 रुपए। इसका मतलब 60,000 रुपए ये है। उसने पूछी हमसे कुल कमाई ज्ञात करो, तो कुल कमाई ज्ञात करो ये पूछा है उसने हमसे। तो देखो 1200 रुपए का बोनस प्राप्त करता है, कुल कमाई पूछा है उसने, तो यहां से जो बोनस है ना 2% का वो इस धनराशि पर है, तो ए का 2% मान 1200 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से 600 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60,000 हो जाएगा, किसका मान, ए का मान। तो ए क्या है, ए जो है इस 20,000 से ऊपर की धनराशि है। उसने पूछा है कुल कमाई, कुल कमाई पूछी है, किसकी पूछी है, सेलर की। तो ये जो है 60,000 रुपए की धनराशि है, ये 20,000 रुपए की धनराशि है। अगर हम सेलर का शेयर निकालेंगे कि सेलर को कितने रुपए मिले ये निकालेंगे, उसने पूछा है उसकी कुल कमाई ज्ञात करो, उसकी का मतलब सेलर की कुल कमाई। तो सेलर की कुल कमाई कितनी हो जाएगी, 20,000 पर 10% से, तो 20,000 पर 10% से कितनी बनेगी भाई, 2,000 रुपए तो उसके यहां से बन जाएंगे, प्लस हमने ये धनराशि भी निकाल ली है कितनी है 60,000। 60,000 पर विक्रेता को कितने परसेंट से मिल रहा है, 12% से, तो 60,000 पर 12% से निकाल लेंगे, तो 60,000 रुपए की धनराशि पर और 12% से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7200, तो इसको 2000 रुपए मिलेंगे भाई यहां से, और 7200 रुपए मिलेंगे यहां से 7200, तो इसकी कुल कमाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 9200, इसकी कुल कमाई हो जाएगी 9200, जो कौन सी ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूं बहुत जल्दी। देखो 20,000 पर 10% से कमीशन की बात कर रहा है, उससे ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस की बात कर रहा है, इसका मतलब 2% जो बोनस है वो ये इस धनराशि पे तो लगेगा नहीं, केवल इससे ऊपर की धनराशि पर लगेगा, उसको मैंने ए मान लिया। तो इस धनराशि पर 2% से बोनस निकाला है, जो उसने हमें दिया है 1200, तो ए का 2% मान भी बोनस है और ये 1200 भी बोनस है, तो दोनों मानों को आपस में बराबर रखा जा सकता है। तो यहां से ए का मान निकालिए 60,000, इसका मतलब यह है कि यह धनराशि कितनी होगी भाई, यह धनराशि 60,000 होगी। अब उसके बाद उसने पूछा है कि उसकी कुल कमाई बताइए सेलर की, तो सेलर की कुल कमाई कहां से होगी, 20,000 पर 10% कमीशन से होगी, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपए की कमाई तो यहां से हो जाएगी, और 60,000 रुपए पर 12% से, कैसे, 10% कमीशन 2% बोनस, तो 60,000 पर 12% से कितने रुपए बनेंगे 7200 और 2000, तो उसकी कुल कमाई कितनी हो जाएगी भाई 9200, ठीक है, क्लियर है भाई। चलते हैं, अब जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको करने की कोशिश। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सेम जो मैंने आपको 5वां क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया सेम उसी प्रकार का है, करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। आज की क्लास का 6th क्वेश्चन, और मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 20% कमीशन लेता है तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस लेता है, यदि वह 900 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात करो, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन होता है उसको मैं फास्ट बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रैक्टिस सेशन है, आज की वीडियो जो है ये प्रैक्टिस की है, मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, धीरे धीरे समझा चुका हूं, अब ये प्रैक्टिस की वीडियो है, थोड़ा सा स्पीड आज जो है पहली वाली वीडियो से जो फास्ट रहेगी, जब मैं आपको चीजें समझाऊंगा तो बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो थोड़ी स्पीड में करेंगे, क्योंकि एग्जाम में धीरे धीरे से ही काम नहीं चलेगा, लपेटने से काम नहीं चलेगा भाई, टाइम को वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, वहां चीजों को फास्ट भी करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको फास्ट कराऊंगा। तो ये कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, ये जो क्वेश्चन है सिक्स सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखो समझेंगे इस क्वेश्चन को, पांच मिनट छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो सिक्स क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कह रहा है भाई, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 20% कमीशन लेता है 12,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब 12,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको बोनस मिलता है, तो 12,000 तक उसे कोई बोनस नहीं मिलेगा, केवल कमीशन मिलेगा, कितने परसेंट से, 20% से। 12,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको बोनस मिल रहा है, कितने परसेंट से मिल रहा है, 6% से, ये उसने कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कितना परसेंट हो जाएगा, 20% तो उसका कमीशन हो जाएगा प्लस 6% बोनस हो जाएगा। फिर यहां से वही बात आ गई कि सर ये बोनस जो 6% है ये हमको दिया है, उसने कहा है बोनस 900 रुपए प्राप्त करता है, तो इसका मतलब ये जो बोनस है, बोनस जो उसका हमें क्या दिया है, हमें 1% का या 1:1 का मान निकालने के लिए बोनस दिया है, कितना दिया है 900। तो ये 900 रुपए का बोनस किस धनराशि पर है, क्या 12,000 पर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सर यहां पर तो केवल कमीशन मिल रहा है, बोनस नहीं है, बोनस तो 12,000 से ऊपर पर है, इसका मतलब इस धनराशि पर है, तो इस धनराशि को मैं कुछ भी मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, तो ए पर 6% से, तो बोनस निकालेंगे ए पर 6% से, और ये वाली वैल्यू बराबर कितने के है भाई, 900 के, 6 से कैंसिल करेंगे, 150 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 रुपए, इसका मतलब यहां पर 15,000 रुपए और यहां पर 12,000 रुपए, तो ए की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या पूछा है, कुल बिक्री अगर उसने पूछी होती तो 15,000 12,000 27,000 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन कुल बिक्री नहीं पूछी, उसने पूछी है कुल कमाई सेलर की, तो सेलर की कमाई निकालेंगे, सेलर को कितने रुपए मिले भाई, तो कितने रुपए मिले, 20% से, तो यहां मिल रहे हैं, तो यहां से कितने मिल जाएंगे 20% से, तो 10% 1200 हो गया, 20% दोगुना हो जाएगा, तो 2400 रुपए तो उसको यहां से मिल जाएंगे, देखना बात को ध्यान से समझना, बाकी के 15,000 पर कितने परसेंट से मिलेगा, 20% और 6%, मतलब 26% से मिलेगा, तो इसका 20% निकालेंगे तो 1/5 कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, तो 3,000 20% से हो गया, और 6% से कितना है, 900 रुपए का बोनस हमें पता ही है, बोनस हमें पता ही है 900 रुपए भाई, और 20% से यहां पर और निकाल ले 15,000 पर, तो 3,000 रुपए वो बन जाएंगे और 900 रुपए का बोनस मिलेगा उसको, कुल कमाई उसकी ये हो गई, तो 3,000 और 2400 कितना हो गया भाई, 5400, 5400 और 900 कितना हो गया, उसकी कमाई कितनी बनेगी, 6300 रुपए, तो 6300 रुपए कौन से ऑप्शन पे दिया भाई, ए ऑप्शन पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ए। ऐसा क्वेश्चन पीछे बता दिया है, सेम उसी प्रकार से है, 2400 रुपए कौन सा है, देखो एक बार और थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये कमाई मैंने कैसे निकाल दी है, सेलर की कमाई मैंने ऐसे निकाली है, 12,000 पर 20% से निकाला, तो 12,000 पर 10% 1200 हो गया, दोगुना करेंगे 12 दूनी 2400 रुपए की कमाई तो ये है, फिर 20% से निकाला 15,000 पर, ये जो 15,000 है इस पर, तो 10% से 1500, 20% से दोगुना 3,000, बाकी उसको बोनस मिल रहा है कितने रुपए का, 900 रुपए का वो है, टोटल एड कर दिया तो उसकी कमाई आ गई कितनी, आ गई 6300। ठीक है, देखेंगे प्यारे विद्यार्थी आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखा हो गया 7th क्वेश्चन, पढ़ेंगे समझेंगे करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताने के लिए यहां खड़ा ही हूं, तो 7th क्वेश्चन देखेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन में। एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 12,000 की बिक्री पर 6% कमीशन देती है और 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल कमाई से अपनी कमाई काटकर कंपनी को 46,620 रुपए देता है, कुल बिक्री ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन तो पीछे मैं करा चुका हूं बेटा, करने की कोशिश करेंगे जल्दी फास्टेस्ट क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे, हटा दूं क्वेश्चन को, ठीक है, 7th क्वेश्चन को हटा देते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो फिर से समझेंगे भाई। ऐसा क्वेश्चन पीछे मैं बता चुका हूं, फिर से आ गया, ये देखो 12,000 की बिक्री पर कमीशन कितना है भाई, तो उसने कहा है 12,000 की बिक्री पर 6% से कमीशन है, तो यहां पर हो गया 6% से। उसके बाद क्या कहा है उसने कि 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% है, मतलब इससे ऊपर जितनी करेगा उस पर उसको 5% से कमीशन मिलेगा। इन क्वेश्चनों को एग्जाम में तो बिल्कुल, मतलब ये भी जो मैं लिख रहा हूं ये भी नहीं लिखना, आपको कैसे करना है वो बता दूंगा, पहले आप ये समझिए। उसके बाद वो कंपनी को 46,620 लौटा है, तो इसका मतलब हमको 46,620 कंपनी का शेयर दिया है, कंपनी का शेयर दिया है 46,620 रुपए, ठीक है। अब देखो
अब क्या है, कुल बिक्री पूछी है, कुल बिक्री कितने रुपए की, बस क्वेश्चन हो गया। पहले सेम करेंगे तो यहां पर 5% से मिल रहा है, यहां पर 6% से मिल रहा है, तो यहां पर तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुल बिक्री पर हमें कितने से बनाना पड़ेगा, 5% से। तो इस 6% को 5% से बनाना पड़ेगा, और 6% कमीशन कितने हजार पर है, 12,000 पर। तो 12,000 पर, 12,000 पर 5% बनाने के लिए कमीशन को कम करना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, तो 6% है, इसको 5 बनाएंगे तो कम करेंगे, और कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा भाई, 1% से। तो 1% से कम करने पर कमीशन पे कितने रुपए कम मिलेंगे, 120 रुपए। यहां साइन जरूर लगा लिया करें, साइन ये आपको ये बताता है कि आप कमीशन घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो 6% को अगर हम 5% कर रहे हैं तो इसका मतलब घटा रहे हैं, यहां से आप देख सकते हैं, समान कर रहे हैं तो यहां भी 5% से कर रहे हैं, यहां पर भी 5% से। वैसे एक्चुअल में है कितने परसेंट से, 6 से, तो कम ही तो कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो यहां पर माइनस आएगा। इस माइनस का मतलब यह है कि अगर हम यहां पर 5% से कमीशन लेता, मतलब कंपनी अगर विक्रेता को यहां भी 5% से कमीशन देती तो विक्रेता को 120 रुपए कम मिलते। तो क्या ये कम विक्रेता का कमीशन है, नहीं है। अगर ये विक्रेता का कमीशन होता तो मैं सीधा इसमें से 120 घटा देता, लेकिन ये कंपनी का शेयर है, इसका मतलब अगर विक्रेता का लाभ कम होगा तो कंपनी का बढ़ेगा, तो इसका मतलब 120 रुपए इसमें जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है कि अगर कमीशन को आप कम करेंगे तो कंपनी का लाभ बढ़ेगा, और कमीशन को अगर बढ़ाएंगे तो कंपनी का लाभ कम होगा। तो कंपनी का कितना हो जाएगा, 04746, 40,740 रुपए कंपनी को लौटाएगा। वो कब, जब कुल बिक्री पर 5% से कमीशन होगा, तो कुल बिक्री पर 5% से कमीशन, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो नीचे आ जाएगा टोटल सेल्स का रेशियो, ऊपर क्या आ जाएगा कमीशन, ऊपर क्या आ जाएगा भाई कमीशन, और कंपनी का निकालेंगे तो 20 में से एक को घटाएंगे 19। ये वाली बात मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूं। तो 40,740 कितने रेशियो का मान होगा, कंपनी का लाभ है तो 19 रेशियो का मान बराबर होगा 40,740। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 19 से कैंसिल हो जाएगा, 19 × 2 = 38 कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा 87, 19 × 2 = 38, 19 × 3 = 57, 19 × 4 = 76 और 19 × 6 = 114, तो हो जाएगा 2460। एक रेशियो का मान कितना हो गया 2460, टोटल सेल्स के लिए कितने का निकालेंगे 20 रेशियो का मान, तो कुल बिक्री कितनी आ जाएगी भाई 2460 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, 00 6 × 12 = 2 = 48, 24 × 48 = 49,200। इसका मतलब टोटल बिक्री आ जाएगी 49,200, जो कौन सी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 49,200। क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ नहीं किया भाई, 20,000 पर, 12,000 पर 6% से कमीशन की वो बात कर रहा था, ऊपर 5% से कर रहा था, तो कंपनी को 40,620 लौटाने थे, यही वाली चीज थी। मैंने उसको थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए बदल लिया, और वो क्या, कमीशन को सेम कर लिया। तो यहां पर 5% से लगी रहा है, इसको भी 5% से करने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 1%। 12,000 पर 1% कम करने से कमीशन कितना कम हो जाएगा, 120। कमीशन कम हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 120, तो कंपनी को कितना जाएगा 40,740। कंपनी को 40,740 कब जाएगा, जब कुल बिक्री पर 5% से कमीशन होगा, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1 कमीशन, 20 टोटल सेल्स, तो कंपनी को कितना जाएगा 19। रटे नहीं भाई, रटे नहीं, अगर आप रटोगे तो आप फंस जाओगे, बस समझे। अगर कोई विद्यार्थी रट रहा है कि सर यहां 5% कर देते हैं, यहां ये लिख लेते हैं, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आप ये समझ लिए कि सर यहां 5% क्यों लिखते हैं, इस 6 को 1% से ही क्यों कम कर रहे हैं, 2% से क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात समझिए। तो मैं क्या, 6 को 5 बनाना है, तो 5 बनाने के लिए 1 से ही कम करेंगे, बस क्यों, वाई का आंसर आपको मिलना चाहिए। मैथ का मतलब है भाई क्यों हो रहा है, ये नहीं कि हो गया बस, ऐसे नहीं, क्यों हो रहा है ये पता होना चाहिए, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 49,200, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे आज की क्लास का 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं 8th क्वेश्चन क्या कहता है। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, 8th क्वेश्चन को समझेंगे। 8th क्वेश्चन में कह रहा है, एक कंपनी अपने एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 7% कमीशन देती है, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपए देती और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देती तो विक्रेता को 500 रुपए ज्यादा मिलते, तो ज्ञात करो उसने कुल बिक्री कितनी की।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये कमीशन का। ये जो क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको कमीशन से रिलेटेड कराए हैं, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप अब इसके बाद ये वाली जो क्लास है, इसके बाद मैं कमीशन की एक और क्लास दूंगा जिसमें और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अब ये जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसलिए कमीशन का एक और क्लास आएगी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी, तो उस क्लास में भी मैं कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा। तो देखो समझेंगे इसमें, आज की क्लास का जो 8th क्वेश्चन है इसको समझेंगे। क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, तो देखो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 8th क्वेश्चन को समझेंगे। उसने कहा है कि कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, मतलब कितनी भी सेल्स हो उस पर 7% से देगी। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपए देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, मतलब 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% से कमीशन देती है और प्लस 3,000 रुपए फिक्स देती है। देखो बात को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझना, यहां पर दो केस बन गए, तो विक्रेता को 500 रुपए ज्यादा मिलते, मतलब इस केस से इस केस में उसको 500 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है। मतलब ये वाला जो कमीशन है वो इस वाले कमीशन से 500 रुपए ज्यादा है। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं, जिससे आपको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में यह कहना चाह रहा है कि एक विक्रेता को यदि 7% से कमीशन दिया जाए, 7% से कमीशन दिया जाए, तो एक कंडीशन तो यह हो गई कि कुल बिक्री पर उसको 7% से कमीशन दे दिया जाए तो उसको कमीशन के कुछ रुपए मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि उसे 3,000 रुपए फिक्स सैलरी दी जाए और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% से कमीशन दिया जाए, मतलब अगर वो 10,000 की बिक्री करेगा तो उसको 3,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन यदि वो 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो उस बिक्री पर उसे 4% से कमीशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने रुपए का आता है, 500 रुपए, मतलब इस वाले केस में उसको 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब देखो बात को ध्यान से समझना भाई, ये जो 7% से कुल बिक्री है इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि इस केस में 10,000 रुपए पर, इस 10,000 रुपए पर भी 7% से कमीशन मिलेगा और इससे अधिक की बिक्री पर भी 7% से कमीशन मिलेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, क्योंकि कुल बिक्री पर 7% से ही कमीशन है, तो 10,000 पर भी 7% से मिलेगा और यहां भी 7% से मिलेगा। तो 10,000 से अधिक पर यहां मिल रहा है 4% से कमीशन और 10,000 से अधिक से यहां पर मिल रहा है 7% से कमीशन। इसका मतलब इस 10,000 से आगे वाली सेल पे इस वाले केस में कमीशन कम मिलना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहां पर रेट 7% है, यहां पर रेट 4% है, तो 4% में कमीशन कम मिलेगा, यहां ज्यादा मिलेगा। और कितने परसेंट से कम मिलना चाहिए था, तो आप कहेंगे सर 7 में से 4 को घटा दो, 3% से कम मिलना चाहिए था, ये बात तो है। लेकिन इस 10,000 में क्या है, इस 10,000 में यहां पर मिल रहे हैं इसको 3,000 और यहां पर कितने मिलेंगे ये निकालेंगे, तो 7% से यहां पर मिलेंगे मात्र 700 रुपए। इसका मतलब यहां पर ये वाला कमीशन ज्यादा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं ऐसा करूं कि जैसे कुल बिक्री पर यहां 7% है, वैसे ही मैं यहां भी कुल बिक्री पर 4% से बना लूं। तो अगर मैं यहां पर कुल बिक्री पर 4% से बना लूंगा तो इस केस में कमीशन कम मिलेगा, और कितने परसेंट से, 3% से, ये वाली बात है कि नहीं। इसका मतलब अगर यहां पर कमीशन 3,000 रुपए नहीं होता, अगर यहां पर भी 4% से होता तो कितने रुपए होते कमीशन के, तो इसका मतलब 10,000 रुपए पर भी ये 3,000 रुपए फिक्स सैलरी नहीं होती, 4% से कमीशन होता, तो इसका मतलब यहां पर कमीशन के रूप में मात्र कितने रुपए मिलते, 400 रुपए, ठीक है। 400 रुपए मिलते कि नहीं मिलते, इस 10,000 पर भी अगर 4% से कमीशन होता, मैंने ये मान लिया कि इस 10,000 पर भी अगर 4% से कमीशन होता तो इस 10,000 पर 4% से कमीशन के रूप में कितने मिलते, 400, लेकिन मिल कितने रहे हैं, 3,000 और 500 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां 3,000 की जगह मात्र 400 रुपए का कमीशन होता तो इस केस में 500 रुपए ज्यादा नहीं मिलते, इस केस से कम कमीशन मिलता कि नहीं मिलता। इसका मतलब 400 रुपए अगर मैं 3,000 में से घटा दूं तो यहां पे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर 3,000 में से
अगर मैं 400 रुपए कम कर दूंगा तो बाकी कितने बचेंगे, 2600 रुपए। इसका मतलब यहां पर जो, अगर ये यहां पर 400 रुपए से कमीशन मिलता तो इस केस में कमीशन कम आता, और कितने परसेंट से कम आता, यहां पर 7% से मिल रहा है, यहां पर मिलता 4% से, तो कितने परसेंट से कम आता, 3% से। तो 3% की वैल्यू बराबर कितने की होनी चाहिए ये देखना है बस। तो 3% से कम आता जब यहां पर 400 रुपए मिलते, लेकिन मिल कितने रहे, मिल कितने रहे 3000, तो 3000 में से अगर 400 घटा दूं तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने, 2600 रुपए। तो 2600 रुपए एक्स्ट्रा मिलने की वजह से यहां कमीशन 500 रुपए की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब इस 2600 में से मैं 500 और घटा दूं तो बाकी का जो 2100 बचेगा वो 3% का मान होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों केसों में कमीशन समान तभी हो सकता है जब ये बीच का 3% का जो डिफरेंस है ये हट जाए। तो इसे हटाने के लिए इसमें कितना मान है, तो इसे हटाने के लिए देखो 400 रुपए मान तो है इस 3000 में 4% से कमीशन मिलने पर, तो टोटल सेल्स पर 4% से हो जाएगा। तो 400 घटाने का, बाकी का जो 2600 बचा इसमें क्या है, इसमें 500 रुपए वृद्धि वाला कमीशन है। तो अगर मैं उस 500 को भी हटा दूंगा तो बाकी का 2100 कमीशन क्या है, बाकी का 2100 जो कमीशन हो जाएगा वो दोनों केसों में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 2100 है वो 3% का मान होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर 3% की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2600 में से जो 500 रुपए अधिक मिल रहे हैं उसको घटा दें। तो इसका मतलब 3% की वैल्यू बराबर आ जाएगी कितने के, 2100 के। 3 से कैंसिल करेंगे कितने बार, 700 बार। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 700। और टोटल सेल्स के लिए कितने परसेंट का मान निकाल लेंगे, 100% का। तो 100% की वैल्यू, टोटल सेल्स 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 70,000। इसका मतलब कुल बिक्री कितनी हो गई, उसमें कुल बिक्री पूछी है, कुल बिक्री हो जाएगी 70,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 70,000। यहां से आप फ्रैक्शन से भी जा सकते थे, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते। फ्रैक्शन से कैसे जाते, फ्रैक्शन से बता दूं, यहां से देखो 3% कमीशन कितना बन रहा है, 3% से कमीशन कितना बन रहा है भाई, 2600 में से 500 घटाएंगे तो 3% से कमीशन बन रहा है कितना, 2100, यही बन रहा है। तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/100, बात तो वैसे सेम है, ऐसे कर लो, या 1% की 700, फिर 100 का मान ही निकालना है उसमें भी। तो 100 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 70,000, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो 70,000 क्या हो जाएगा ये भाई, टोटल सेल्स हो जाएगी, कुल बिक्री, यही हमसे पूछी थी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसमें समझने वाली बात, बस बच्चों को डाउट यहां आ रहा होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, 400 बस ये दिक्कत आ रही होगी कि सर 2600 में से 500 को क्यों घटाया है, बस ये बात समझने वाली, ये बारीकी वाली बात है। तो देखो क्यों घटाया, 10,000 पर भी 7% से है, यहां पर कुल बिक्री पर 7% से है, यहां पर, यहां 4% से, यहां 3000 रुपए फिक्स सैलरी है। अब यहां से मैंने क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से परिवर्तन किए, क्या परिवर्तन किया है, मैंने मान लिया कि, मान के चलो यहां भी 4% से कमीशन होता तो कितने रुपए मिलते, तो 10,000 पर 4% से मिलते कितने रुपए, 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए मिलते, और अगर यहां पर 4% से ही होता तो दोनों केसों में कमीशन इस वाले केस में ज्यादा मिलता, और कितने परसेंट से ज्यादा मिलता, यहां 7% से है, यहां 4% से होता तो 3% से ज्यादा मिलता। ठीक है, 3% से यहां ज्यादा मिलता कि नहीं मिलता कमीशन, इस वाले केस में 3% से ज्यादा मिलता। अब अगर मैं 3000 में से 400 रुपए घटा दूं तो बाकी के 2600 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो इसका मतलब इस केस में कमीशन ज्यादा मिलना चाहिए था। अगर यहां चार, मतलब 400 रुपए कमीशन के होते तो, मतलब कुल बिक्री पर यहां 4% से होता, यहां पर 7% से है, तो इस केस में कमीशन ज्यादा मिलना चाहिए था, कितने परसेंट से, 3% से, लेकिन मिल इस केस में रहा ज्यादा, और कितने से, 500 से। इसका मतलब जो 2600 रुपए, यही तो इस 3% के गैप को फिल कर रहे हैं, तो 2600 रुपए में भी 500 रुपए अधिक इसमें आ रहा है, तो 500 रुपए को इसमें से कम कर दें तो बाकी का जो 2100 रुपए है, इसी की वजह से तो ये 3% का कमीशन फिल हुआ है। तो 3% की वैल्यू 2100 के बराबर रख दी, 1% का मान 700, 100% का मान 70,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन।
नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जो मैंने आपको एट्थ क्वेश्चन बताया है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। पढ़ के बता देता हूं एक बार। एक कंपनी अपने एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन देती है, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 8200 रुपए देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% से कमीशन देती है तो विक्रेता को 1200 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो ज्ञात करो कि उसने कुल बिक्री कितनी की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे भाई, करने की कोशिश करेंगे। और करने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इसी प्रकार का करा चुका हूं, तो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हटा दूं हम मैं क्वेश्चन को, समझेंगे क्वेश्चन को। सेम एट्थ जो क्वेश्चन बताया मैंने आपको आज की क्लास में, एक एक तरीके के दो दो क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन आपको समझाया है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिससे कुछ डाउट अगर उसमें रह जाते हैं तो उसमें क्लियर हो जाए। और इससे जो मैंने आज बताए हैं उसके अलावा भी कमीशन के एक और मैं क्लास आपकी लूंगा, जिसमें और क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप डाउट में पूछिए भाई, टेलीग्राम में आके, व्हाट्सएप में आके पूछिए। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी बचे नहीं, आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पूरा जो परसेंटेज है, आप जो भी टॉपिक कराऊंगा उसमें कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और जो भी टाइप कराऊंगा उसको परफेक्ट कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, और हो भी रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं परफेक्ट पूरी तरह से सही करा रहा हूं सारी चीजों को, कुछ भी नहीं छोड़ रहा भाई, ठीक है। तो देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, समझेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है। उसने कहा कि एक विक्रेता को 11% से कमीशन देती है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि कुल बिक्री पर 11% से। दूसरा केस है कि 8200 रुपए फिक्स देती है और 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, मतलब अगर 20,000 रुपए की बिक्री करेगा तो उसे फिक्स 8200 रुपए मिलेंगे, और इससे ऊपर की बिक्री पर उसको कमीशन दे रही है कितने परसेंट से, 5% से। तो इस केस में उसे 1200 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो देखो इस केस में उसे 1200 रुपए ज्यादा मिलते हैं इस केस में। अब देखो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन में समझा दिया है, तो अब आपको इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इस 11% टोटल बिक्री को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि इसमें भाई 20,000 रुपए पर भी 11% से ही कमीशन है, देखो बात को ध्यान से समझना, और ऊपर की बिक्री पर भी इसमें 11% से ही कमीशन है, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर 11% से, यहां पर 5% से, तो इधर तो सीधा सीधा 6% का डिफरेंस आ गया, लेकिन यहां पर जो 1200 रुपए है, 8200 रुपए में 1200 रुपए इस केस में ज्यादा मिल रहा है। अब इस बात को ध्यान से समझना, पहले मैं इस 1200 रुपए का झंझट खत्म कर देता हूं। तो इस केस में जो कमीशन मिल रहा है, मतलब 20,000 पर 8200 और इस पर 5% से, और इस केस में कुल बिक्री पर 11% से, तो इस केस में 1200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो अगर ये बताइए, मैं पहले इसका झंझट खत्म कर देता हूं कि अगर मैं जो 8200 रुपए इसको फिक्स मिल रहे हैं, इसमें से 1200 रुपए को अगर मैं घटा दूं, तो बताओ दोनों केसों में कमीशन बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, बताओ। बाकी का जो 7,000 बचा है, अगर मैं इसमें से 1200 रुपए को इधर वाले कमीशन में से अगर मैं 1200 रुपए को घटा दूं, तो यहां पर अगर 8200 की जगह 7,000 रुपए का इस विक्रेता को मिलते, तो दोनों केसों में कमीशन बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता। दोनों केसों में कमीशन बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता, अगर यहां पर 8200 की जगह इसमें से 1200, भाई देखो दोबारा समझो, इस वाले केस में 1200 रुपए कमीशन ज्यादा मिल रहा है और उसे 8200 रुपए फिक्स मिलते हैं, तो अगर इस 8200 की जगह इसमें से 1200 अगर मैं, मतलब इधर वाले केस में 1200 रुपए कमीशन कम कर दूं, तो अगर 1200 रुपए कमीशन कम कर दूं, तो इसका मतलब इस 82,000 की जगह उसको मात्र 7,000 दिए जाएं, तो इन दोनों केसों में कमीशन बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर हो जाना चाहिए, तो यहां पर अगर ये कमीशन बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यहां पर भी अगर मैं 5% से कर लूं, मतलब 20,000 की जो धनराशि है इस पर जो 7,000 रुपए मिल रहे हैं, इस पर भी मैं 5% से देखूं कमीशन कितना बनता, तो 5% से कमीशन कितना बनता, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए बनता, लेकिन मिल कितने रहे, 7,000। इसका मतलब अगर मैं यहां भी 5% से मानूं, तो यहां भी अगर मैं 5% से मानूं, तो 6,000 और घटाने, मतलब 1,000 घटाने पड़ेगा, तो बाकी का 6,000 और कम मिलता यहां पे, तभी तो यहां पर 5% से होता। तो इसका मतलब 7,000 में से 1,000 को इसको और घटा देंगे, तो बाकी का जो 6,000 बचेगा,
7000 में से इस 1000 को और घटा देंगे तो बाकी का 6000 जो बचेगा वो क्या होगा, बाकी का 6000 इन दोनों के, अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि यहां पर 5% से कमीशन मिलता है, यहां पर 11% से मिलता है, तो दोनों कमीशनों में अंतर 6000 का आता है। अब ये वाली बात हो गई कि नहीं हो गई, तो कमीशनों में अंतर 6000 का, और वैसे परसेंटेज में अंतर कितना है, यहां 11% यहां 5%, तो 6%, तो 6% की वैल्यू, 6% की वैल्यू, 6% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 6000 के, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1000 के। टोटल सेल्स के लिए 100% का मान निकालेंगे तो टोटल सेल्स के लिए 100% का मान निकालेंगे तो 100% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी, तो टोटल सेल्स आ जाएगी 1 लाख। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 1 लाख। कौन सी ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, एक और बार समझा देता हूं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना समझने वाला है तो इसको फिर से समझा देता हूं। देखो टोटल बिक्री पर एक बार तो 11% से कमीशन मिले, और यहां पर 20,000 तक 8200 रुपए फिक्स मिले और बाकी की बिक्री पर 5% से कमीशन मिले, तो इस वाले केस में 1200 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब बात को देखो आराम आराम से समझना, इस वाले केस में 1200 रुपए कमीशन ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब अगर इसके कमीशन में से मैं 1200 रुपए कम कर दूं और यहां पर 8200 की जगह मात्र उसको 7000 रुपए मिल रहे होते तो दोनों केसों में कमीशन बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता। अब ये 1200 रुपए ज्यादा नहीं मिलते, अब दोनों केसों में कमीशन बराबर हो जाता क्योंकि मैंने इधर से 1200 रुपए कम कर दिए। मान के चलो इधर 800 रुपए कमीशन मिल रहा है, इधर 900 रुपए मिल रहा है और उसने उसने कहा है कि 100 रुपए ज्यादा मिलते हैं इधर। ठीक है, तो अब इस 900 में से मैं अगर 100 रुपए माइनस कर दूंगा तो देखो 800-800 दोनों साइड में बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, इधर 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है, अगर इसमें से जितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको माइनस कर दूं तो दोनों साइड में 800-800 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर जो 1200 रुपए कमीशन ज्यादा मिल रहा था उसको मैंने 8200 में से घटा दिया, तो यहां पर अगर 7000 रुपए मिलते तो दोनों केसों में कमीशन बराबर होता कि नहीं होता, तो आप कहेंगे सर होता। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, अब उसके बाद मैंने इस 7000 रुपए यहां मिलते तो दोनों केसों में क्या होता, बराबर होता, लेकिन मैंने मान लिया कि यहां 7000 भी नहीं मिल रहा, यहां 5% से देखो कितना मिल रहा है, तो 5% से कितना मिलेगा 1000 मिलेगा, तो इसका मतलब अब इस केस में कमीशन कम मिलेगा क्योंकि यहां पर भी 5% से, यहां पर भी 5% से, और जबकि यहां दोनों पर 11% से है तो कितने परसेंट से कम मिलेगा, 6% से, और ये 6% की वैल्यू कितने से भरी जा रही है, तो आप कहेंगे सर 7000 में से 1000 तो यहां चला जाएगा, बाकी का जो 6000 बचेगा उसकी वजह से ये 6% की वैल्यू फिल हो रही है। इसका मतलब इस 6% का जो मान है, इस 6% का जो मान है वो वैल्यू बराबर होगी कितने के, 6000 के, 1% का मान 1000 और 100% की वैल्यू 1 लाख, ऐसे समझ लो। बस क्वेश्चन को इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, कुछ भी लेट नहीं करना, कुछ भी मानना नहीं है, बस परसेप्शन को, माइंड की सोच को बढ़ाना है, सोच से क्वेश्चन को खत्म करना है और कुछ नहीं करना, बस आपको यह पता होना चाहिए कि यहां 11 है, यहां 5% बना लिया है तो 6% से अंतर, यहां कमीशन कितना 6000 रुपए की वजह से यह 6% का अंतर कम हो रहा है जिस केस में दोनों बराबर हो रहे हैं, तो वहां से वो 6% की वैल्यू 6000 के बराबर हो गई, 1% का मान हो गया 1000, 100% का मान हो गया 1 लाख। ठीक है, तो आज हमने कमीशन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 9 क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुराने जो आए हैं उनमें पूछे गए हैं एग्जामों में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, और आगे पूछने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चनों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वाली क्लास में कमीशन के ही कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।